हेलो फ्रेंड्स, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिया का देख लो ना, ये देखना कितनी गंदी बच्ची बन रही है आज। ये दिया बहुत गंदा बच्चा बन रहा है, रोए जा रहा है और मम्मा की बात नहीं मान रहा, दादी के पास नहीं जा रहा, और देखो इन्होंने मुझे लात मार रहा। छी, इतना गंदा बच्चा आपने कहीं देखा है? नहीं देखा ना। मम्मी आप पी रही है शाम की चाय और टीवी देख रही है। मम्मी कह रही थी मुझसे चाय पीनी है, मैंने सुबह बोला हाँ मैं चाय पीऊंगी, मम्मी गई चल तू बनाएगी तो मैं भी पीना ना, मैंने खुद भी और ना मैंने मम्मी को पीनी। तो गाइस एक बात बताइए, मम्मी बुजुर्ग हो रही है, मम्मी की हड्डी कमजोर हो रही है, तो मैं चाय नहीं, मैं मम्मी को दूध पिलाना चाहती हूँ। अब बताओ ये बात गलत है या सही है? तो फिर बताइए गाइस मैं कैसे गलत हुई, मम्मी गलत हुई या मैं गलत हुई? मम्मी को चाय पसंद है, मैं बोलती हूँ मम्मी दूध पी, आपको मजबूत होना है। तो गाइस मैं चाय की बोलती हूँ तो मम्मी अपने कप गिनवाने लग जाती है। इसलिए गाइस मैंने ना सुबह भी बोला मम्मी से मैं चाय पीऊंगी, फिर मम्मी बोली ठीक है मेरी भी बना दो, मैंने सुबह भी नहीं मम्मी करी, अभी भी चाय पिएगी? मैंने बोला हाँ पीऊंगी। मम्मी चल ठीक है चाय बना लियो, मैं भी पी लूंगी, तू भी पी लियो। मैं ठीक है, मैंने अभी भी कैंसिल कर दिया तो मम्मी ने खुद ही अपनी चाय बना। तो गाइस मम्मी से आप प्लीज कमेंट करो ना, मम्मी को लिए बोलो कि आंटी जी मम्मी जी आप चाय पीना छोड़ दो, दूध पियो, स्ट्रॉन्ग बनो, इतने खतरनाक से बच्चे हैं उनके साथ खेलना भी तो है आपको, है ना मम्मी? हाँ। तो दूध पीना पड़ेगा, चाय छोड़नी पड़ेगी। देखिए आज इसको देखिए, इसको कौन सा भूत आ गया, इसके अंदर भूत आ गया, ये गंदा बच्चा बन रहा है आज गाइस। ये तो सबसे ज्यादा मेरे को हिट करता है, व्लॉग बनाती हूँ तो गाइस सबको मेरी दिया पसंद आती है, सब मुझसे बोलते हैं कि आपके दिया का रोल सबसे ज्यादा बेस्ट है, और आज बोलेंगे दिया का रोल सबसे गंदा है। ये कैसे लग रहा है बाबू आपको यूट्यूब पे? गंदा मन नहीं है तरह, फिर से वही टेंशन शाम की क्या बनाए, तो देखते हैं आज क्या बनाते हैं। मेरे ख्याल से हमारी नहीं, आप सबकी भी यही टेंशन होती होगी शाम होते या सुबह होते कि क्या बनाए, है ना मम्मी? क्या बनाए रोज क्या बनाए? देखे आजा अमित से पूछ आलू के पराठे खाएंगे। चलो देखते हैं, अगर दिया के पापा आलू के पराठे के लिए रेडी हो जाते हैं तो आज खाएंगे हम आलू के पराठे। दिया आलू के पराठे बनाए, रोटी खाती दूध पीती होगी, दूध पिला दे। दिया के पापा को फोन किया था, उन्होंने बोला ठीक है आलू के पराठे खा लेंगे, सर्दी में अच्छे लगते हैं, तो आज हम आलू के पराठे खाएंगे। दीदी आई थी जब बने थे लास्ट टाइम, है ना मम्मी? जब दीदी आई थी, बड़े दीदी, जब मेरी दीदी आई थी जब भी बने थे लास्ट टाइम पराठे, उसके बाद हम बनाएंगे आज और रायता बनाएंगे, तो टेस्ट आने वाला है आज बहुत अच्छा वाला। मम्मी कह रही थी आज आलू ना फ्राई करके फिर बनाएंगे, आलू और भी ज्यादा टेस्ट आ जाता है पराठों में। दिया रो रही है तो दिया के पापा कह रहे हैं मेरी शॉप पे आ जाए, वहां पे भी गाड़ियां चलती है, इसको गाड़ी चलवा देंगे तो चुप हो जाएगी। चले बाबू पापा की शॉप पे चले, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको, आज बड़ा तंग कर रही है, देखते हैं, जाने का मन तो नहीं कर रहा मेरा, देखते हैं जाए नहीं, रहन देती हूँ मम्मी थक जाऊंगी, है ना? तो कैंसिल, प्लान कैंसिल, दिया करो ना दोबारा शुरू। रोती है, हंसती है तो बहुत अच्छे से, रोती है तो भी बहुत अच्छे से, है ना दिया? ये देखो सात्विक अभी ट्यूशन से आए हैं, दादी लेकर आई है सात्विक के, और देखो कैसे बैग फेंक दिया गाइस, और ये तो अपने पता नहीं बंदर को कहा क्या करने, क्या देख रहा है भैया को, गंदा बच्चा भैया को देख रहा है, अच्छी क्या करें, पोपी खिला दो जल्दी से, पोपी खिला दो जल्दी से, सारी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पोपी लिया पोपी ले आओ, आ जाओ वीडियो करने के लिए कह रही है, आ जाओ आ जाओ। अच्छा ओके ओके ओके, तो गाइस तो गाइस मैं वीडियो बनाती हूँ, आ जाओ दिया, दिया के पापा दिया के लिए ट्रॉफी लेकर आए, तो ये वहां से भागती हुई आती है तो मेरे से बड़े जल्दी से आ जाओ लेके आ रही हूँ। तो पोपी तो नहीं मिली, दिया का नोना मिल गया, तो चलो इसी से करते हैं, आ जाओ दिया आपके लिए पापा जी नोना लेके आए हैं, आ जाओ। तो गाइस मुझे यही बता रही थी कि आ जाओ पोपी ले आओ,
ओ माय गॉड, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया मुझे ये भी बताने लग गया कि वीडियो कैसे बनाते हैं। आपको पता चल गया? ओके तो हेलो तो कर दो, जब तो बहुत रो रहे थे आप कैमरे में। तो गाइस अब आ गई है अच्छे मूड में ये मम्मी, और मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया ना मम्मी। तेरे को कह रही थी, कह रही है कि वीडियो बनाना। ये तो समझ में आ गया था टॉफी की बोल रहे, लेकिन ये समझ में नहीं आया था पॉपी। आप पहले मुझे यहाँ पे खड़ा किया ना इसने, जब मैं समझ गया। हाँ जी फिर से बनाओ वीडियो, ठीक है। साथ ही अपनी टीचर से बोल के आए थे कि मैम आप मेरी मम्मी का व्लॉग देखते हो, तो मैम ने कहा हाँ जी। मुझे तो पता नहीं होता क्या क्या पूछ के आ जाता है गंदा बेबी। अच्छा अच्छा है भाई, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा। लाइट गई और बच्चों को लग रही है भूख, इसलिए आलू के पराठे और मकैन तल रही है। पहले आलू तो बहुत गर्म है, तो नहीं जब तक बच्चे मकैन खा लेंगे। आलू के पराठे का मसाला मिक्स कर रही हूँ, हरी मिर्च ज्यादा डाली है मैंने, लाल मिर्ची कम डाली है क्योंकि हरी मिर्च में ज्यादा टेस्टी लगते हैं प्याज हरी मिर्ची। तो मसाला मिक्स हो गया, पराठे बनाएंगे। रोटी मम्मी के लिए निकाले मैंने, क्योंकि मम्मी पहले मम्मी के लिए तलेंगे आलू, आलू फिर उसके बाद मम्मी को देंगे। बच्चों के लिए ये फीके आलू। अपनी बहन की बड़ी केयर कर रहा है सात्विक, कभी कभी क्यों क्यों हटाऊं? हटा ब्लॉग क्यों हटाओ, कुछ नहीं बन रखी। अच्छा माय गॉड, और अभी चला रहे फोन, अभी अभी आए देखे 10 बज गए, अभी बस जस्ट खाना खाए हैं। आलू के पराठे कैसे लग रहे थे? अच्छे थे, अच्छे थे। आज आलू के पराठे और रायता बना था, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट मैं दिखाना भूल गई गाइस। इनको भूख लग रही थी बहुत, तो मुझे भी लग रही थी, हम जल्दी जल्दी खा गए। दिया ने नहीं खाया खाना, तो मैं दिया के लिए जा रही हूँ पराठा बनाने। हम सब ने खा लिया था, अब दिया के लिए बनाने जा रही हूँ। इनकी देखो मस्ती, देखो ये देखो, ये इतनी ओवर एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि दिया के थोड़ी सी लग गई। दिया पैर फंसी गई, जबरदस्ती अपना पैर फंसा के फंसी गई, फंस गई। करते तो चले चलते हैं हम दिया के लिए पराठा बनाने। मम्मी मूवी देख रही थी, मूवी देख रहे थे, देख ली, बहुत मस्ती मार रहा था ना। ये देखो ये मस्ती का कारण है। जितनी हंसते हैं ना ये मस्ती करते हैं, उतना इनको रोना पड़ता है। क्यों लग जाती है या फिर अभी इनको पीट पीट के रुला देते हैं, है ना मित्र? ये देखिए बिल्ली चला रही है, उसका मेकअप कर रही है। दिया इधर देख रहे हैं बेटा, आपको मेकअप करना आता है? अरे राम इतनी बिजी है, ओ माय गॉड। इस व्लॉग का एंड यहीं कर लेते हैं गाइस। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी रो रहा था, बाय बाय कर रहा है।